उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा में चोरी के आरोप में एक कपड़ा व्यवसायी के पुत्र ने अपने साथी के साथ मिलकर एक किशोर को तार और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। आपको बताते चले कि वीडियो वायरल किया गया, साथ ही यह भी बताया जाता है कि किशोर को पूरे दिन बंधक बनाए रहने के बाद देर शाम जब उसने चोरी स्वीकार नहीं की और बेहोश हो गया, साथ ही उसके हाथ के नाखूनों को भी प्लास से खींच लिया गया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। वहीं सूचना पर घायल किशोर के परिजनों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर किया गया। घटना नानपारा नगर की है। वहीं थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम केशवपुरवा निवासी चुन्नी पत्नी मेहराब खान उर्फ भेप्पल ने घटना की तहरीर 14 मार्च 2021 की रात्रि में कोतवाली नानपारा में दी, मगर मामला रफा दफा करने के चक्कर में मामला दर्ज नहीं किया गया। वहीं चुन्नी ने मामला दर्ज न होने पर आज बहराइच पहुंचकर पुलिस अधीक्षक बहराइच वीर कुमार मिश्रा को तहरीर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक की फटकार पर मामला दर्ज हुआ। वहीं चुन्नी ने तहरीर देकर बताया कि कसाई टोला निवासी इश्तियाक पुत्र जुनेद जो मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, साथ ही कपड़ा व्यवसायी अमित पुत्र महादेव पुरानी बाजार नानपारा ने मनगढ़ंत चोरी का आरोप लगाकर उसके 16 वर्षीय पुत्र शेर खान को बंदी बनाकर बेरहमी से पिटाई करते हुए उसके नाखून खींच लिए, बल्कि उसका आरोप तो यह भी है कि इनकी योजना जान से मारने की थी। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच विपिन कुमार मिश्र ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि लोहे की रॉड व तार से मारने की बात गलत है, न ही नाखून उखाड़ने की बात सही है। जो वीडियो अपलोड कराया गया है किसी के द्वारा बोलकर किशोर से हाँ करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह से आधारहीन है। वहीं मारने पीटने के कारण 8 साधारण चोट हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट में आई हैं। इसी के आधार पर दो अभियुक्तों नानपारा कस्बे के कसाई टोला निवासी इश्तियाक पुत्र जुनेद, पुरानी बाजार नानपारा निवासी अमित पुत्र महादेव को 323/504/506/452 आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। कुमारी से तुमका इसक इश्तियाक मिस्त्री काहे के लिए मारी है? झूठे लगा रहा है कि चोरी के जाम में उनके साथ में और को रहा है और एक मोटरसाइकिल भी रहा। अमित महादेव कपड़ा वाले के लड़का? हाँ। अच्छा, दोनों मारी है? कितनी देर से मारी है? सुबह 10 बजे से? 10 बजे से 1:30 बजे तक। 10 बजे से 1:30 बजे तक मारी? काहे चैन से मारी है? चैन से और केबल से। चैन और केबल रॉड से? हाँ। अच्छा, और पिलास पेच कर? पिलास से नाखून उखाड़ने हैं? अच्छा अच्छा, पिलास से नाखून तक के उखाड़ दिए हैं? कोतवाली नानपारा के गांव केशवापुर में कल दिनांक 14/3 को एक 12 वर्षीय किशोर जिसका नाम शेर खां पुत्र मेहराब खां है, वो एक मोबाइल दुकान में मोबाइल चोरी के आरोप में दुकानदार इश्तियाक अली पुत्र जुनेद और अमित पुत्र महादेव द्वारा मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीकृत करते हुए उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल में उसे कुल 8 साधारण चोटें आई हैं तथा एक्सरे एडवाइज किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध 323/504/506/452 एवं 342 IBC का अभियोग पंजीकृत है तथा आरोपी दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेडिकल के अनुसार तथा वहां मौके पर की गई जानकारी के अनुसार पेचकस और तार से मारने की बात गलत है, न ही नाखून उखाड़ने की बात सही है। इस संबंध में जो भी वीडियो अपलोड कराया गया है वह पीछे से किसी व्यक्ति द्वारा बोलकर हाँ कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से आधारहीन है। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।